Assalamu alaikum and very good afternoon to all the respected parents and my dear students. Few things that I would like to share with you today. This is a very important one and I think better I will share with you so that all the doubts which you may have in your mind should be clear. मुझे ये लग रहा है respected parents and students ये कुछ चीजें जो हम लोग स्कूल में करते हैं या करने वाले हैं अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो बेटर है कि आपके माइंड में जो डाउट्स होगा जो मतलब कभी कभी होता है कि भाई वी हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज एंड ऑल दैट तो वो सॉल्यूशन उसका हो सकता है. सिंपली वुड लाइक टू से वन थिंग. रिपोर्ट रीडिंग हुआ हमारा 12th एंड 13 जून को विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी. इट वॉज वंडरफुल पीसफुल मोर सेटिस्फैक्ट्री. उसमें हमें कुछ सजेशंस भी मिले पेरेंट्स की ओर से एंड माशाल्लाह आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव एडमायर्ड अवर एफर्ट्स ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स आल्सो. आई अगेन से टू द ऑल पीपल आई शुड से पेरेंट्स आल्सो स्टूडेंट्स आल्सो. देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं. बाकी ये नहीं है कि 100% कोई भी दे सकता है. जैसे एटमोसफियर आपको क्लास में मिलता है वैसा एटमोसफियर आप लाइव करो या फिर यूट्यूब करो या कोई भी चीज़ करो वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोग स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट में रहें. तो यूट्यूब हमने इसलिए सिलेक्ट किया है. अभी मैंने आगे भी बताया था आपको लाइव लेक्चर में इश्यू ये होता है कि सपोज बाई चांस नेटवर्क का इश्यू हो सकता है. सेम टाइम पे अगर पेरेंट्स जॉब पे है तो फिर मोबाइल अवेलेबिलिटी भी ना हो. और एक बार ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर रिपीट नहीं होगा. यूट्यूब में बेनिफिट ये है कि लेक्चर आप कितनी बार भी चाहो देख सकते हैं. यू कैन सी 10 times 20 times 30 times ऑल्सो. और एक बात और सपोज आपके पेरेंट्स जॉब पे है और रात को फोन अवेलेबल है मोबाइल अवेलेबल है तो तब भी आप देख सकते हैं. तो ये बेनिफिट्स है. तो इसकी वजह से हम लोग अभी यूट्यूब उसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं. और एक बार लगभग एज पर माय कैलकुलेशन 1100 लेक्चर्स हमने अपलोड किए. जस्ट इमेजिन 1100 उससे भी ज़्यादा. क्लास 8 क्लास 9 एंड क्लास 10 एंड 12 चार क्लास मिला के. प्राइमरी तो पूरा अलग. जस्ट इमेजिन दैट. और एक बात मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाना भी इतना ईजी नहीं होता है. उसमें पहले प्रिपरेशन करो उसके बाद पूरे टॉपिक्स को आप यहाँ पे स्मार्ट सिस्टम पे आप उसको इंस्टॉल करो. उसके बाद अगर कोई भी टॉपिक ये लग रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है तो उसको रिवाइज करो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ऑनलाइन इज ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर ऑल द टीचर्स आई बिलीव दैट. अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे डेली हम लोग अभी भी 10-12 लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं. कम से कम 10 या 12 लेक्चर होते हैं. एक क्लास के कम से कम 3 से 4 लेक्चर अपलोड होते हैं. पर डे वी आर अपलोडिंग मिनिमम 3 to 4 लेक्चर्स अ डे. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्री मिड टर्म सिलेबस. प्री मिड टर्म का जो सिलेबस है वो तो हमने कब का खत्म कर दिया. नाउ वी हैव स्टार्टेड मिड टर्म सिलेबस ऑल्सो. मिड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी हमने कंटिन्यू कर लिया है स्टार्ट कर दिया है. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 1-1 चैप्टर ओवर इन दैट. उसमें एक एक चैप्टर खत्म भी हो गया है. सो माई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स डोंट वेट फॉर द टाइम प्लीज. हम लोग टाइम की वेट नहीं कर रहे हैं. स्कूल मे बी ओपन टुमारो और आफ्टर 1 month और आफ्टर एनी टाइम. We are not right now waiting for that time. We go along with the time. And if we have one option closed, we open another option. We start with another option. We use another alternatives. तो जिस तरह हम लोग implement कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आपको भी support तो देना ही पड़ेगा जो आप लगभग majority ने तो दिया है. लेकिन मेरी request है कि जिस तरह teachers daily 10-12 video upload करते हैं no doubt. एक दिन में नहीं तो कम से कम जब भी टाइम मिले संडे है सैटरडे है वीकेंड में कभी भी वीडियोस आपको देखना जरूरी है. ओके वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हम लोग ये मेथड फॉलो कर रहे हैं और करने वाले हैं. ऑनलाइन लेक्चर्स हो या रेगुलर स्कूल हो हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं.
हर साल। एंड इन दैट पहला एक है कि हम लोग चैप्टर फिनिश करते हैं चैप्टर वाइज, उसके बाद चैप्टर का नोट्स हम लोग लिखवाते हैं। तो यहां भी यही होगा, आज के बाद जो भी चैप्टर फिनिश होगा वो चैप्टर का नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। कैसे भेजेंगे वो समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन बैंक भेजते हैं, एक तो वीडियो में लिंक आपको दिया जाएगा, उससे भी आपको नोट्स मिलेगा। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, आपके ऊपर SMS आएगा स्कूल से। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, जो भी आपके ऊपर SMS आते हैं वो केयरफुली पढ़िए। ऐसा नहीं कि हर एक मैसेज कंपनी का होगा, स्कूल से भी मैसेज हम लोग भेजते हैं, उसमें लिंक होगा। अगर लिंक आप क्लिक करेंगे तो उसमें से नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो तभी होगा जब चैप्टर्स फिनिश होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। हाल में अभी हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक भेज रहे हैं, आज भी हमने भेजा है, कल भी हम लोग भेजने वाले हैं। तो क्वेश्चन बैंक पे फोकस कीजिए प्री मिड टर्म एग्जाम के लिए। और एक बार मैं बता रहा हूँ, नोट्स की मैं बात कर रहा था, चैप्टर जब भी फिनिश होगा कोई भी सब्जेक्ट का, अब आपको परफेक्ट नोट्स मिलेंगे, मैसेज से भी मिलेंगे और वीडियो पे भी मैं लिंक अंडर रखूंगा, तो जिससे कि आपको नोट्स मिल जाए। तो वो नोट्स आपको विदाउट फेल आपके नोटबुक में परफेक्टली कॉपी करने, रेगुलर नोटबुक में लिखना है। नोट्स आप पूरी लिख लीजिए, जब स्कूल स्टार्ट होगा तो आपका बर्डन कम हो जाए। और फिर से मैं बोल रहा हूं, आप टाइम का वेट मत कीजिए, सिलेबस का आप टेंशन मत रखिए। अगर बाय चांस CBSE कोई चैप्टर निकाल भी लेता है तो नो इश्यू, हम लोग जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो सब एग्जाम के लिए नहीं होता है, लाइफ के लिए भी पढ़ाई करते हैं। क्या पता अगर इस साल चैप्टर निकाल लिया, नेक्स्ट ईयर वो काम लगेगा, कुछ ना कुछ तो काम लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट गो एज पर द सिलेबस व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, आपको वही करना है। और एक बार हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं वो बताता हूँ। पहले हम लोग चैप्टर फिनिश करते हैं और करेंगे, उसके बाद आपको नोट्स भेजेंगे। नोट्स आपने लिख लिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जो चैप्टर पूरा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट क्लास 8 टू क्लास 12, उसका रिवीजन करेंगे। पहले क्या किया, चैप्टर फिनिश, उसके बाद नोट, उसके बाद रिवीजन। रिवीजन के बाद क्या होगा, हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यानी सपोज 3 चैप्टर सिलेबस में है मिड टर्म एग्जाम, तो उसका हम क्या करेंगे, पहले एक चैप्टर पूरा हुआ उसका नोट आपको भेज दिया, उसके बाद वो चैप्टर का रिवीजन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। इसी तरह हम एग्जाम यानी मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस रखेंगे, जो पेरेंट्स की डिमांड है। वो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स टीचर के बीच में रेगुलर इंटरेक्शन भी होना चाहिए, तो हम लोग लाइव क्लास रखेंगे। लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, एक बार कोई भी सब्जेक्ट का मिड टर्म का सिलेबस फिनिश हो गया, फिर 2 वीक के लिए 2 वीक के लिए हम लोग लाइव क्लास करेंगे। उसमें टीचिंग नहीं होगा, सिर्फ बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक बार मिड टर्म का सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट हो, टेकिट SS, मैथ, साइंस, इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी और कॉमर्स और एनी सब्जेक्ट, तो उसका हम लोग पहले सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद 2 वीक तक लाइव क्लासेस चलेंगे। होप कि उससे पहले अगर स्कूल स्टार्ट हो जाता है वेरी हैप्पी, अगर बाय चांस ना हुआ तो हम लाइव क्लास करेंगे, लेकिन लाइव में हम लोग टीचिंग नहीं करेंगे, टीचिंग हम यूट्यूब पे ही करेंगे। लाइव क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगा कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लोग कर सकें, तो डिस्कशन करेंगे मिड टर्म का सिलेबस पूरा होने के बाद। अब क्वेश्चन आएगा कि सर मिड टर्म का सिलेबस क्या है, और पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर अभी तो प्री मिड टर्म नहीं हुआ है। देखो, प्री मिड टर्म का सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी बहुत दिन पहले कर दिया था, अब मैं मिड टर्म का सिलेबस भी आपके साथ वेरी सून जल्दी शेयर करने वाला हूँ। ओके, अब स्कूल क्या करने वाला है, अभी का प्लानिंग बता रहा हूँ कि जब स्कूल ओपन होगा इमीडिएटली कुछ ही दिनों में आपका प्री मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा, कुछ ही दिनों में। सिलेबस भी आपके पास है, क्वेश्चन बैंक भी आपके पास है, पेपर स्टाइल भी आपके पास है, तो कुछ ही दिनों में फिनिश हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा प्री मिड टर्म। उसके थोड़े दिनों बाद मिड टर्म भी होगा। एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह नॉर्मल स्कूल डेज में हम लोग प्री मिड टर्म लेते हैं, इस बार टाइम हमारे पास कम है, तो प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म, एनुअल, उसका ड्यूरेशन बहुत कम होगा।
इसीलिए मैं बता रहा हूं ऑनलाइन क्लास पे फोकस करना 100% जरूरी है। ओके, और ये नहीं कि मातृवाला स्कूल, पूरी दुनिया आज ऑनलाइन पे है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि प्री मिड टर्म का सिलेबस हमने खत्म किया, अब हम लोग मिड टर्म पे जा रहे हैं। मिड टर्म का सिलेबस खत्म होगा, लाइव क्लास स्टार्ट होंगे 2 वीक के लिए, और टीचर आपके साथ डायरेक्टली बात करेंगे, सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसके साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे लाइव क्लास में। तो वो भी होगा, लेकिन वो मिड टर्म का सिलेबस खत्म होगा उसके बाद। अब एक और बात, पूरे सिलेबस जो हमने चलाया है उसका रिवीजन हम लोग करेंगे, उसके बाद जो लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के बाद आगे क्या करना है उसका जो मैं रूट है, उसका जो मैं प्लानिंग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक हम लोग आपको भेजेंगे, जैसे लाइव क्लास खत्म हो गए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद हम लोग भेजेंगे क्वेश्चन बैंक, और वो क्वेश्चन बैंक होगा मिड टर्म एग्जाम का। ऑलरेडी प्री मिड टर्म का तो हमने भेज दिया और अभी कंटिन्यू है। अब जो भेजने वाले हैं अभी नहीं भेजेंगे, फिर से मैं प्रोसीजर समझाता हूं। अभी चैप्टर फिनिश होंगे, चैप्टर फिनिश होने के बाद चैप्टर का रिवीजन होगा, चैप्टर रिवीजन होने के बाद नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपको भेजेंगे हम लोग, परफेक्ट नोट्स भेजेंगे, परफेक्ट नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, इसी तरह हम लोग मिड टर्म का सिलेबस खत्म करेंगे। मिड टर्म का सिलेबस फिनिश हुआ, उसके बाद लाइव क्लास होंगे, इंटरेक्शन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स के साथ 2 वीक तक, 2 वीक्स तक। उसके बाद बच्चों का क्लियर हो गया डाउट, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक आपको भेजेंगे, जिस तरह अभी भेज रहे हैं प्री मिड टर्म का, इसी तरह मिड टर्म का भी भेजेंगे क्वेश्चन बैंक। और एक बार आपको क्वेश्चन बैंक मिल गया, उसके बाद मिड टर्म का एग्जाम का प्लानिंग होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा मत समझिए कि भाई स्कूल जब स्टार्ट होगा फिर ये वो, हम लोग इस बार हमारे पास टाइम बहुत कम है और एग्जाम्स बहुत ज्यादा है, तो इमीडिएटली ये हो सकता है कि 25-30 दिन के गैप में एग्जाम होते रहेंगे, तो आप मेंटली रेडी रहिए। और हर एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स पे आप फोकस कीजिए प्लीज। ओके, आपको कोई भी क्वेरी है, अभी लेक्चर में अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, हम इमीडिएटली उसका आंसर देंगे, नो वरीज। और अगर बाई चांस और भी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो ऑफिस पे या प्रिंसिपल पे कॉल कीजिए, मैं टीचर्स के साथ बातचीत करूंगा, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन लाइव क्लास हम लोग करेंगे मिड टर्म सिलेबस होने के बाद, कंटिन्यू 2 वीक तक, अराउंड 12-14 डेज तक, जिसमें आप अपने सारे प्रॉब्लम्स हमें पूछ सकते हैं और हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स रिक्वेस्टेड that please just focus on right now online lectures. This is what we are planning right now. Hope for the best and thank you very much for your wonderful support and cooperation. Thank you very much.